सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, आज मेरे पास आप लोगों के लिए बहुत सारी अपडेट है, तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखना। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस, हम बात करते हैं मनोज दे के बारे में। तो गाइस, आपको पता हो कि मनोज दे ने उन्होंने अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर के शादी कर ली कोलकाता में। तो आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे क्या रीजन था, उन्होंने इसको लेकर क्या कहा, चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। मुझे दोस्तों शादी इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैं क्या होता था कि उसके साथ कहीं अगर मैं घूमने भी जा रहा हूँ या फिर उसको कहीं लेके जाता था तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता था घर में, बहुत ज़्यादा किचकिच होता था कि उसको क्यों लेके जा रहा है, उसके साथ क्यों घूमता है। तो मैंने सोचा कि ये बार बार का जो किचकिच है इसको एक ही बार में ख़त्म करते हैं। अब मैं अपने लाइफ में पूरा सेटिस्फाइड हो चुका हूँ, एकदम शांत हूँ, कोई और चीज़ नहीं चाहिए। मैंने लाइफ में सब कुछ कर लिया था, घर वर बन ही रहा है, पैसा भी कमा ही रहा हूँ, ठीक है, अपना एक अच्छा खासा मुकाम भी हासिल कर रखा है। बाकी एक ही चीज़ की कमी थी, वो थी हमारे लाइफ का एक लाइफ पार्टनर चुनना। और एक कहावत है कि जिंदगी में दो चीज़ अपने हिसाब से करना चाहिए, अपने पसंद से करना चाहिए, पहला करियर और दूसरा भाई लाइफ पार्टनर, क्योंकि उसके साथ जिंदगी आपको बिताना है, पूरे लाइफ टाइम रहना आपको है। सो गाइस, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। और गाइस, अब हम बात करते हैं बिंदास काव्या के बारे में। तो गाइस, बिंदास काव्या के ब्लॉगिंग के चैनल पर 6 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, इसको लेकर उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी अपलोड की थी और वहां पर यह कहा था कि मुझे बहुत सारे लोगों के विशेष आए, लेकिन जिनके खास मतलब जो फैमिली वाले हैं, जो रिलेटिव हैं, उनमें से किसी ने भी बिंदास काव्या को 6 मिलियन होने पर किसी ने विश नहीं किया, तो ये शायद उनको बहुत सैड लगा, इसको लेकर उन्होंने इंस्टाग्राम पर यह स्टोरी लगाई थी। सो गाइस, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। और गाइस, अब हम बात करते हैं फ्लाइंग बीस्ट के बारे में। तो गाइस, फ्लाइंग बीस्ट अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर अजय देवगन को ट्रोल किए। जी हाँ दोस्तों, वो गोवा जा रहे थे, वहां पर कहीं पे उनको एक विमल का मतलब के एक बोर्ड दिख गया, जिसको देखकर वो अपने इंस्टाग्राम की स्टोरी पर ये कहे, विमल बोलो से बाकी श्री। आप लोगों को पता है दृश्यम में अजय देवगन गोवा के आता है सत्संग में, क्योंकि यहाँ विमल मिलता है, विमल। सो गाइस, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। और गाइस, अब हम बात करते हैं सौरव जोशी ब्लॉग्स के बारे में। तो गाइस, सौरव जोशी ब्लॉग्स के चैनल पर हो चुके हैं 20 मिलियन सब्सक्राइबर और वो इंडिया के पहले ऐसे ब्लॉगर जिनके चैनल पर 20 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। अब इसके बारे में वो अपने ब्लॉग वीडियो में बात किए और ये कहे, इंडियन ब्लॉगिंग हिस्ट्री में पहली बार 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स जो कि फाइनली हमारे होने वाले हैं, सिर्फ 7000 सब्सक्राइबर रह गए। देखो, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, हो गए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर 20 मिलियन। सो गाइस, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपडेट के बारे में। और गाइस, अब हम बात करते हैं बाबू भैया यानी के यूके जीरोसन राइडर के बारे में। तो गाइस, बाबू भैया अपने बाबू भैया नाम को लेकर के काफी सैड हैं, उन्होंने इसको लेकर इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी अपलोड की, तो क्या कहा, चलिए मैं आप लोग को दिखाता हूँ। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। मैंने जब अपना करियर शुरू करा था ना, तो मैंने सोचा यार क्या मस्त नाम है बाबू भैया, क्या सूट होता है। बट जब सुंदर सुंदर लड़कियां आती है ना सुबह सुबह फोटो खिंचाने के लिए और वो बोलती हैं बाबू भैया एक फोटो, बहुत दर्द होता है गाइस। बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है, बिग बॉस मुझे हर्ट हो रहा है, बिग बॉस। जितनी भी लड़कियां ना गाइस, बाबू भैया मत बोला करो, बाबू बोलोगी तो चलेगा। तो बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप लोगों को अपडेट पसंद आई होगी और फेस कैम न्यूज़ पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।